खबर आ रही है हरिद्वार क्षेत्र के ठस्का गांव से, जहां पर 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देते हुए आज 6 दिसंबर का दिन काले दिवस के रूप में मनाया। आपको बताते चले कि 6 दिसंबर यानी आज ही के दिन सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आखिरी सांस ली थी। इस देश ने एक महापुरुष को खोया था। आपको बताते चले कि आज का दिन यानी 6 दिसंबर पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पूरी खबर को अपने कैमरे में कैद किया श्याम सुंदर के साथ सोमवीर सैनी ने। ये शोक दिवस के रूप में मना रहे क्योंकि हमारे लिए आज बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच से अंतिम विदाई लेकर दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनके जो विचार हैं वो समाज में पूरी तरीके से फैलें और उनकी विचारधारा पूरी तरीके से इस भारत में कायम होकर विश्व तक जाए, ये हमारा सपना है और इसी को लेकर हम इस काम कार्य को लेकर चल रहे हैं। की आज़ादी के 70 साल बाद SC ST OBC इसलिए पीछे हैं क्योंकि समाज के अंदर कोई इतिहास को जागरूक और एक दिशा देने का काम नहीं करते हैं लोग, क्योंकि जब तक बाबा साहब ने भी कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगी वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर SC ST OBC इतने भ्रमित लोग हो चुके हैं जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनको निकालने का काम जो सही संगठन है उनके साथ जुड़ने का काम नहीं करते हैं, जो बहकाऊ संगठन है, बहकाने वाले संगठन है, बहकाने वाले लोग हैं उनके साथ जुड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो सही दिशा और निर्देश देने वाले संगठन है उनके साथ ये जुड़ने का काम नहीं करते हैं। और आपने कहा कि SC ST OBC में जो जितने ये खैर आज के दिन तो इतना ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि शोक का दिन है हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, भारतवासी क्या पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी बात मैं इनके लिए कहूँगा कि इस समाज में सबसे ज़्यादा जो भड़वे और दलाल पैदा हो रखे हैं उन्होंने इस समाज को पिछाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, सही दिशा निर्देश देने का काम नहीं कर रहे हैं, और समाज में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई है ये इन्हीं दलालों और भड़वों की वजह से कुरीतियाँ फैली हुई है। ग्राम प्रधान रेखा रानी का उठा मेरा, मैं बाबा साहब जी का आज पूर्ण शोक दिवस है आज, इसी उपलक्ष्य में हम थोड़ा सा बाबा साहब के चरणों में 5 मिनट का शोक अर्पण कर रहे हैं, और शाम को जो है हम कैंडल मार्च निकाल लेंगे यहाँ शाम को, और मैं चाहूँगी जितनी भी पढ़ी लिखी महिला या हमारे समाज की जो भी जागरूक में भाग ले इस आंदोलन में अपने समाज को अच्छी दिशा ले जाने में सहयोग करें, और बस मैं तो यही चाहती हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है ये काला दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं, मानव अधिकार संरक्षण मुख्य प्रभारी होने के नाते हम सब लोगों ने आज ये काला दिवस के रूप में मनाया है, और हमारी पूरे प्रदेश में कई जगह ये काला दिवस के रूप में जहाँ जहाँ भी हमारे संगठन है पूरे देश में हम सब लोगों ने मनाया। ये SC ST OBC के लिए कार्य नहीं कर रहा है, ये मानवता के लिए कार्य करता है, यहाँ जाति धर्म का कोई मतलब, मानव एक समान हो, मानवता के लिए ही जहाँ भी मानव के ऊपर कोई अत्याचार हो कुछ भी होगा ये मानव अधिकार संरक्षण वहाँ पर खड़ा है। SC ST कुछ लोगों की मानसिकता गलत है जो सरकारों में बैठे हुए हैं उनकी वजह से आज ये SC ST OBC पिछड़ रहा है। हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि इस देश में जातियाँ खत्म हो, मानवता कायम हो, और इस देश में जैसे और देश है जैसे अमेरिका है अमेरिकन बोला जाता है, यहाँ पर इंडिया में इंडियन बोला जाए। कुछ लोग जो सरकार में जो बैठे हैं जिन लोगों की मानसिकता है जो इस देश पर बार बार समाज पर अत्याचार करते हैं, बार बार उनकी सोच ही गंदी है, जो पक्ष विपक्ष में बैठे मानव एक समान करने के लिए हम लोग दिन रात सब लोग मानवता के लिए काम करें, जैसे भगवान बुद्ध ने काम किया है मानवता के लिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई जाति कोई बिरादरी नहीं, उस तरह से हम काम करें। ये बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज शोक दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठा हुए, उनके बारे में उनके विचारों को हमने आदान प्रदान किया और उनके बारे में हमने थोड़ा हमें सीखने को मिला। आज हम आए प्रधान जी ग्राम ट्रस्ट का, इतने अच्छे महापुरुष चले गए तो उनका हमें बहुत ही बड़ा